इन दिनों एम्बुलेंस कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचा रही है, तो क्या एम्बुलेंस में बैठना खतरे से खाली नहीं है? क्या एम्बुलेंस से किसी नॉर्मल मरीज का अस्पताल जाना जान गंवाने जैसा है? हमने समाज में फैली इस भ्रांतियों की पड़ताल की। आगरा में कोविड-19 तेजी से फैल रहा है, ऐसे में ये जानना जरूरी है कि एम्बुलेंस सुरक्षित है या नहीं। हमने सबसे पहले उन एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की जो कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल पहुंचाते हैं। उनका साफ कहना है कि कोविड-19 के मरीजों के लिए एम्बुलेंस अलग है और नॉर्मल मरीजों के लिए अलग। सबसे पहले हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो चालक हैं एम्बुलेंस के, इनके पास जाता हूं। सर, क्या नाम है आपका? नाम जानना चाहेंगे। सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, काफ़ी गंभीर समस्या है, अभी कोरोना योद्धाओं में शामिल हैं। एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस में जब कोरोना के आप पेशेंट को लेके जाते हैं, उसके बाद पेशेंट को आप छोड़ देते हैं क्वारंटाइन सेंटर या फिर जिला अस्पताल, उसके बाद एम्बुलेंस की सफाई उसको सैनिटाइज किस तरीके से आप करते हैं? सैनिटाइज की जाती है कि मशीन से पूरा सैनिटाइज किया जाता है, अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके जब हमें बाहर भेजा जाता है। अच्छा, लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, लोगों के अंदर ये डर है कि यदि इसमें कोई कोरोना का पेशेंट गया है, यदि कोई अन्य बीमारी से ग्रसित पेशेंट इस एम्बुलेंस में जाएगा तो कोई कोरोना होने का खतरा तो नहीं रहेगा, उसमें आप उन व्यक्ति को किस तरीके से संतुष्ट कर पा रहे हैं कि इसमें पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है, पूरी तरीके से सफाई की जाती है? उसके लिए ऐसा है ना कि ये कोविड-19 में एक सारी गाड़ियाँ अलग लगी हुई हैं, एक उसके लिए एक साधारण गाड़ी है, एक कोविड के लिए अलग गाड़ी है। तो जैसे कि सुनील जी ने बताया था कि कोविड के लिए अलग गाड़ियों का प्रयोग किया गया है, यदि कोई दूसरी गाड़ियों का मतलब यदि दूसरे पेशेंटों को ले जाता है, दूसरी बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो उनके लिए अलग गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ और चालक भी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, कौन सी एम्बुलेंस चलाते हैं आप? मैं सब वाहन चलाता हूँ। अच्छा, आप कभी ऐसी घटना हुई है कोई कोरोना पेशेंट की डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद किसी ऐसे सबको आप लेके गए हो जो कोरोना से ख़त्म हुआ हो? हाँ, कई ले आ चुका हूँ अब तक। अच्छा, उसके बाद उसको किस तरीके से आप सैनिटाइज करते हैं एम्बुलेंस को, और काफ़ी खतरा भी रहता है उस पर, आप भी अपनी किस तरीके से बचा सकते हैं? नहीं, वो तो किट पहन के फिर वहाँ पर सैनिटाइज, और यहाँ से टीम जाती है मोक्ष धाम पर ताजगंज, वो वहाँ पर सैनिटाइज करती है, बॉडी उतारने के बाद में हमको भी सैनिटाइज करती है, उसके बाद फिर गाड़ी यहाँ आती है। मतलब जो भ्रम समाज में फैला है वो पूरी तरह गलत है। कोविड-19 के मरीजों के लिए अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। अगर किसी अन्य बीमारी के मरीजों को एम्बुलेंस का सहारा लेना है तो वो पूरी तरह सुरक्षित है। चालकों से बात की तो हकीकत सामने आई कि मशीनों द्वारा एम्बुलेंसों को स्पष्ट और साफ किया जाता है, उनको सैनिटाइज किया जाता है। आगरा से आदित्य मुद्गल, ग्लोबल भारत।